बिरियाला पंजाब अमीर मोहम्मद खान की सरबराही में मुहर्रम हराम के मौका पर सिक्योरिटी और अमनो आमा से मुतालिक इंतजाम पर जिला इंतजामिया की मीटिंग हुई है। जिले भर के तमाम मुतलका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में डीसी और डीपीओ ने इंतजाम से मुतालिक खान साहब को ब्रीफिंग भी दी है। खान साहब ने इंतजाम पर इतमाद का इजहार भी किया है। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें बिरियाला पंजाब अमीर मोहम्मद खान मुआवन खसूसी की सरबराही में मुहर्रम हराम के मौका पर सिक्योरिटी और अमन आमा से मुतालिक इंतजाम पर मीटिंग मुनाकिद हुई। जिले भर के तमाम मुतालिका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग में डीसी और डीपीओ ने इंतजाम से मुतालिक खान साहब को ब्रीफिंग दी। खान साहब ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार भी कर दिया है। मामले खसूसी वजीर आला पंजाब अमीर मोहम्मद खान की जेर सदारत मुहर्रम हराम के मौके पर सिक्योरिटी और आमा से मुतालिक इंतजाम पर जिले इंतजामिया की मीटिंग हुई है। दूसरी जानिब मुल्तान में जलूसों के रूट पर मुरम्मत का काम जारी है। मुल्तान में मुख्तलिफ गलियों में टर्फ टाइल लगाने के काम में तेजी आ गई है। थलासादात लाल कुर्ती कैंट और दर्जनों मकामात पर टर्फ टाइल का काम जारी है। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम कहिएगा, 3 मुहर्रम आज हो गई, कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम की मुनासबत से इंतजामिया ने जुलूस के रास्ते और इमाम बारगाहों के रास्तों पर जो मुरम्मती काम है उसमें तेजी जो है वो कर दी है। और यहाँ पर जो मुरम्मती काम जो है वो जारी है, जिसमें टफ टाइल हो, गटर के ढकने हो या इसके साथ पैच हो रोड का, वो लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुतवल्ली मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी सर, ऐसा है कि मुहर्रम हराम के हवाले से जो है इमाम बारगाह काशन शब्बीर पे तमाम जो है जिला इंतजामिया की तरफ से जो है वो गटर के ढकने, पैच वर्क्स जो हैं और तरक्याती जितने काम हैं वो बेहतरीन किए जा रहे हैं। और हम जिला इंतजामिया के मशकूर हैं, बिलखसूस डीसीओ साहब बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो सारे तमाम तरक्याती काम जो हैं वो करवा रहे हैं। इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड भी जो है वो बेहतरीन काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है। वापडा भी उसमें जो है जो तारें हैं झूलती हुई, जो मसले मसाइल हमारे हैं वो भी सारे जो है वापडा भी बेहतरीन इंतजाम कर रहा है मुहर्रम हराम के हवाले से। जो काम है वो कबल वक्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अदादारान जो है उनका कहना है कि पिछली बार जो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस बार जिले इंतजामिया की जानिब से जो मरम्मती काम किए जा रहे हैं उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। कबल वक्त जो है जिले इंतजामिया की जानिब से रूट्स के रास्ते और इमाम बारगाहों के जो रास्ते हैं उन पर टफ टाइल के साथ साथ जो पैचेज हैं रोड पर वो लगाए जा रहे हैं, ताकि अदादारान को किसी किस्म की कोई मुश्किल। वसीम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें ब्रेक के बाद। रहीमियर खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का माकमे जलूसों के रूट्स और इमाम बारगाहों का दौरा। एसी एतजाज अंजुम मुतालिका महकमों के अफसरान और शिया सुप्रीम काउंसिल के अहदेदारान भी हमराह मौजूद थे। मजीद बात करेंगे, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। बिल्कुल, रहीमियर खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजम समेत शिया सुप्रीम काउंसिल के जो मरकजी अहदेदारान है वो शहर भर के जो मातमी जुलूस के जो रूट्स हैं इसके साथ साथ जो इमाम बारगाहें हैं उनका विजिट करें। इसी वजह से जानते हैं डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद से सर सड़कों की मुरम्मत, इसके साथ साथ सफाई, सीवरेज के मसाइल, इन तमाम को और ट्रैफिक की रवानी को तमाम तरह इंतजाम जो है वो किस तरह से हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टिजेंसी प्लान ऑलरेडी शेयर हो चुका हुआ था हमारी तरफ से और उस पर हम सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। आज के विजिट का मकसद ये था कि चेक करें कि उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं। हालात तसल्ली बख्श हैं, जो जो सड़कों की रिपेयर, पाइप्स की लेइंग, सीवरेज सिस्टम को ठीक करना, तारों को ऊंचा करना, जो जो कुछ था वो सारा कुछ ऑन गोइंग है। इस वक्त उस पर काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर लेंगे। लीडर्स हमारे साथ हैं, कुछ माइनर इश्यूज जो महकमे की बल्दिया की नज़र से रह गए थे या हमारे प्लान के बाद डेवलप हुए हैं वो इन्होंने हमसे शेयर किए हैं, हम उन्हें भी रिजॉल्व करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी बहुत हद तक पुरुद हैं कि एक बिल्कुल हैसल फ्री और किसी भी साइड को तकलीफ दिए बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े से बचते हुए इंशाल्लाह हमारा मुहर्रम गुजरेगा। बिल्कुल, एक तफसीली विजिट किया गया और इसके साथ साथ तमाम इंतजाम को अव्वलीन तरजीहात में मुकम्मल भी किया। आमिर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में जुल्म के खिलाफ जो कुर्बानी दी उसे आज भी उम्मत मुसलमान अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। शहदाए करबला से मंसूब तबरुकात की खरीदारी के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
मुहर्रम उल हराम के आगाज से ही मुल्तान के इमाम बारगाहों के बाहर छोटे बड़े मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां तबरुकात की खरीदारी उरूज पर है। ये तबरुकात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफका से मंसूब होने के बायस मन्नतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलम, पंजा, नादे अली, अंगूठियों, कड़ों, जंजीरों समेत दीगर तबरुकात को मुहर्रम उल हराम के दौरान सादत से कम तसव्वुर नहीं किया जाता। मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दिनों में घरों के अलम और पंजे वगैरह चेंज करते हैं अकीदत के मुताबिक, और मन्नतों दरबार शाह शम्मस इमाम बारगाह पर लोग अपनी मन्नतें उतारते हैं आके यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। पीतल और चांदी से बनी इन अशिया पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कुंदा होने की वजह से इनकी अहमियत में मजीद इजाफा हो जाता है। रेशम के तारों और मोतियों से तैयार करदा चादरें अलम और ताबूत के लिए इस्तेमाल होती हैं। खरीदने आए हैं माशाल्लाह, लगानी है जाके उधर मियां चनू में। अजादारान अपनी अपनी इस्तेताद के मुताबिक इन तबरुकात की खरीदारी करते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानब रहीमिया खान के मोहल्ला मलिक फैरोज के 90 साल उस्ताद रसूल बख्श नोहा खानी में उस्तादों के भी उस्ताद है। उस्ताद रसूल बख्श के नोहा खानी में 200 से ज्यादा शागिर्द हैं। इसी पर आमिर भट्टी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मरकजी लंगर हुसैनी इमाम बारगाह में नहायत प्यार से अपने शागिर्दों के दरमियान बैठकर नोहा खानी करते ये बुजुर्ग उस्ताद रसूल बख्श रहीम यार खान के मोहल्ला मलिक फरोज के रिहायशी हैं, जिनका कहना है कि 6 साल की उम्र से अपने वालिद के साथ नोहा खानी शुरू की थी। आज 90 साल की उम्र में भी नोहा खानी जारी रखे हुए। उस्ताद रसूल बख्श की दर्द भरी आवाज से नोहा खानी सुनते ही पत्थर दिल पिघल जाते हैं और अजादारों के आंसू हैं कि रुक नहीं पाते। हजरत इमाम हुसैन और ये अजादारी होती रहेगी, क्योंकि ये मातम हुसैन है, ये ना कभी बंद होगा ना हुआ है। उस्ताद रसूल बख्श के 90 साल की उम्र में 200 से ज्यादा शागिर्द हैं, जबकि अब भी शागिर्द इस उम्र में इनसे सीखने के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने इनको ऐसा पाया कि जैसे हमारे ऐसे बुजुर्ग उस्ताद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी आवाज में ऐसी ही करब है, ऐसे ही ख्वासानी वो करते हैं जिससे दिल में ना किया ऐसे खून के आंसू रोता है। उस्ताद रसूल बख्श कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक नोहा खानी के शिकिर्द बनाते रहेंगे और यूं ही मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फैलाने का काम करते रहेंगे। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स में झगड़े का मामला, डिप्टी कमिश्नर शुआब खान जिदौन ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने एडीसी सैफुल्ला आर की सरबराही में तहकीकात करेगी। कमेटी डॉक्टर्स की खातरी नुकसान की तफसीलात वजूहात का तायुन करेगी। बहावलनगर में डेप्टी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स में झगड़ा करने का मामला डिप्टी कमिश्नर शुआब खान जदौन ने इंक्वायरी कमेटी में कायम कर दी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी एडीसीएफ सैफुल्ला साजिद की सरबराही में तहकीकात करेगी। कमेटी डॉक्टर्स की खातिर नुकसान की तफसीलात वजूहात का तयन करेगी। आपको बताते चलें, कल ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर ने एमएस डॉक्टर इनामुल्ला जमाली के ऑफिस में हमला कर दिया था, वहां पर तोड़फोड़ की थी और अब उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स में झगड़े करने का मामला डिप्टी कमिश्नर शुआब खान जदौन ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी है जो कि तहकीकात करेगी और अंदाजा लगाएगी कि क्या वजूहात थी जिसके सबब ये वाकया पेश आया। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स में झगड़े का मामला डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जिदौन ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी एडीसी सैफुल्लाह की सरबराही में तहकीकात करेगी। कमेटी डॉक्टर्स की हाजिरी नुकसान की तफसीलात और वजूहात का तायुन भी करेगी। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी एडीसी सैफुल्लाह की सरबराही में तहकीकात करेगी। कमेटी डॉक्टर्स की हाजिरी नुकसान की तफसीलात और वजूहात का तायुन भी करेगी। तो आपको बताते चले इस हवाले से बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस और डॉक्टर्स में झगड़े का मामला है जिस पर डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदयू ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीमिया खान में पीटीआई के एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने जफर कॉलोनी में सीवरेज लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इलाके में आमद पर एमपीए का इलाका मकीनों ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया, जबकि चौधरी आसिफ मजीद ने कहा कि 25 लाख की लागत से सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल हुआ है। पीटीआई एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने जफर कॉलोनी का विजिट किया और सीवरेज लाइन का विजिट इफ्तिताह भी कर दिया है। इलाके में आमद पर एमपीए का इलाका मकीनों ने फूल निछावर करके पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया। 25 लाख की लागत से तैयार सीवरेज लाइन का काम जल्द मुकम्मल हुआ है, चौधरी आसिफ मजीद का ऐसा कहना है। आमिर भट्टी से अहवाल जानेंगे। आमिर भट्टी बताएगा, सीवरेज लाइन का इफ्तिताह कर दिया क्या है?
चरखा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी आसिम मजीद ने जफर कॉलोनी में यहाँ पे सीवरेज लाइन और जो वाटर सप्लाई थी उसका इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से जानते हैं एमपीए चौधरी आसिम मजीद का। सर, इलाका मकीनों की खुशी दिनी है कि आपका यहाँ पे फूल निछावर इस्तकबाल किया गया है। कितना यहाँ पे दरीना मसला था, इसको हल किया गया, कितनी लागत आई है और इस तरह के जो मसाइल हैं वो आगे भी आप किस तरह से हल करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताऊं कि दो साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट बनाई तो यकीन करें कि हमने देखा कि बेचारे गली मोहल्लों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। एक दो बड़ी सड़कें बना के मुस्लिम लीग नून ने अपनी वो समझ लें कि शहर के लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की कि गली मोहल्लों में ना सीवरेज, ना टफ टाइल, ना सड़क, ना पानी साफ पीने का पानी, ना लोगों को बुनियादी सहूलतें, उनका कुछ ख्याल नहीं रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने आते ही पहले इस चीज़ को देखा है कि यार लोग अपने घर से जब बाहर निकलें तो उनके सड़क साफ होनी चाहिए, उनका सीवरेज का मसला हल होना चाहिए, उनके टफ टाइल होनी चाहिए, बुजुर्गों को मस्जिद जाने के लिए रास्ता अच्छा होना चाहिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए आसानी होनी चाहिए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र से कह सकते हैं कि हमने अपने दो साल इक्तदार में जो अवामी खिदमत का अल्लाह ने मौका दिया, हमने लोगों के गली मोहल्लों में बेतहाशा काम करवाया। आप चले जाएं, आप इसी शहर के बासी हैं, आप गली छोटे इलाकों में जाएं, हमने करोड़ों की लागत से सीवरेज लाइनें डलवाई हैं। आज इसी उसी की कड़ी है कि हम जफर कॉलोनी में आए हुए हैं और ये सारे बुजुर्ग देख रहे हैं, आप इलाके के नुमाइंदा देख रहे हैं, आप सारे खड़े हैं, तो इनकी मौजूदगी में यहाँ इफ्तिताह किया है और ये इफ्तिताह यहीं तक नहीं रहेगा। इंशाल्लाह इस पूरे इलाके की गलियों में हम सीवरेज भी डालेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सड़कें भी बनाएंगे और कोशिश हुई तो इंशाल्लाह इनको हर जरूरत और इनकी सहूलत इनकी दहलीज तक मुहैया की जाएगी। कितनी लागत आई इस पर? तकरीबन 25 लाख रुपया लागत आई है, लेकिन इस ऐसे मनसूबे बेतहाशा चल रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बेशुमार जो है इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उनके इफ्तिताह का सिलसिला भी जारी है और ये कहना है कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो अवामी मसाइल हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर। जी बेहतर, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी के मुजफ्फरगढ़, लैया, राजनपुर, रहीमा खान और भावलपुर में कामयाब कार्रवाइयां। मिलावटी दूध 67 किलो, मिलावटी मसाले 110, केक रस पैकेट और 4 किलो खुश्क दूध पाउडर मौका पर तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली गई, 400 लीटर दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। गाड़ी में मौजूद दूध को रहीमिया खान के LP रोड पर शेख वाहन के इलाके में पकड़ा गया। मजीद 67 किलो मिलावटी मसाले, 110 केक रस के पैकेट और 4 किलो खुश्क दूध पाउडर मौके पर तल्फ किया गया। मुजफ्फरगढ़ में मदीना आइस फैक्ट्री बर्फ के ब्लॉक्स में मुर्दा हशरात और मकड़ी जाला पाए जाने पर सील कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ से इटालियन पिज्जा पॉइंट, बहावलपुर से मिल्क शोकर बेकरी कुकिंग एरिया से मुतसिल वॉशरूम और नाकिस ऑयल के इस्तेमाल पर सर्वे मोहर किए गए। राजनपुर में प्रिंस चिकन खुराक की तैयारी में मिलावटी केचप इस्तेमाल करने पर सील किया गया। लैया में मुबशर सुपर स्टोर लाइसेंस फीस की अदम अदायगी पर सील। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि खालिस और मयारी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन है। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग पर बनाए गए बच्चों के पार्क का कोई पुरसा निहाल नहीं है। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी नहीं, झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे कहते हैं अब हम झूले कहाँ झूलेंगे, जिसके सबब परेशानी का सामना है। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी नहीं है, झूले टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से बच्चों ने भी पार्क का रुख करना छोड़ दिया। घास वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुकी है, झूले नहीं है, यहाँ सारा दिन बस इस तरह के बुजुर्ग बैठे रहते हैं और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल इससे गफलत है, उसे कोई परवाह नहीं है कि हमने ये बनाना है, इसको नहीं बनाना है, क्या करना है। शहरियों का कहना था कि पार्क की हालत एक अरसा दराज से खराब है। PHA मुल्तान की जानिब से पार्क की देखभाल के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए हैं। कई बार पार्क की हालत के मुतालिक दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्क के जो हालात देखे हैं, यहाँ के बेंच भी टूटे पड़े हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, सब ये हर चीज इधर उधर खड़ी पड़ी है, ना झूले का इंतजाम है, ये लोहे का सामान देख रहे हैं आप, झूले ये गर्म है, बच्चे जब भी चढ़ते हैं कोई मजा नहीं आ रहा उनको, वो भी वापस जाने को तैयार है, इंतजामियों को जाइए इसकी तरह को पूरी तवज्जो दे। शहरियों ने मुतालबा किया की PHA मुल्तान पार्क की हालत जल्द अज जल्द बेहतर बनाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान।